Jarvis, tell everyone to subscribe our channel and show them how to do that. Everyone who are watching this video, please subscribe our channel How To Manual for interesting tutorials and information. Let me show you how to do that. Open your browser. Type youtube.com. Press enter. Click on the search bar. Type how to manual. Press enter. Here, you will see our channel. Click here to subscribe. If you do not see our channel here, click on filter. Now click on channel. Here, you will surely see our channel. Click here to subscribe our channel. जैसे कि मैं एडवांस जार्विस डेमो वीडियो में बताया था कि जार्विस का ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो ये जार्विस पाइथन प्रोजेक्ट का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। सबसे पहले आपको वीएस कोड एंड पाइथन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो एरर्स आते हैं। एक बात बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये और भी एडवांस हो सकता था, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे सिंपल कोड्स के साथ जितना एडवांस हो सकता है उतना किया। धीरे धीरे एडवांस करता जाऊंगा जार्विस को, ताकि सबको समझने में आसानी हो। आपको क्रोम ओपन करना है, देन आपको सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। जो पहला लिंक आएगा, इस लिंक में क्लिक करना है। देन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अभी आपको पाइथन डाउनलोड लिख के सर्च करना है। देन जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे डाउनलोड पाइथन, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों डाउनलोड हो गया। आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। देन नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड टू पाथ पे चेक करके रखना है। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे आपको चेक करके रखना है। अगर पाथ ऐड नहीं होगा तो वीएस कोड पाइथन लैंग्वेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपको एरर आएगा। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। देन इसके बाद आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, यही आपको बोलेगा रिस्टार्ट करने के लिए। एंड आपको रिस्टार्ट कर देना है। अभी यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करते ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एंड अभी आपको इस पाइथन को भी इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। इसका इंस्टॉलेशन विंडो पे भी यहाँ पे नीचे ऐसा ही एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको चेक कर देना है, या फिर अगर चेक रहता है तो उसको चेक रहने देना है। क्योंकि अगर चेक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आपका पाइथन लैंग्वेज जो आप वीएस कोड में लिखोगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा एंड आपको एरर देगा। तो आपको ये इंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना है। इंस्टॉलेशन एंड कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं ये डेस्कटॉप में ही कर देता हूँ। एंड इसका नाम देता हूँ जार्विस। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन पावरशेल विंडो हेयर ऑप्शन आ रहा है, इस पर ओके करना है। एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है कोड, देन स्पेस देके एक डॉट, देन एंटर। तो इस फोल्डर को पावरशेल वीएस कोड में ओपन कर देगा। अभी आप देख सकते हो आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी आपको यहाँ पे एक ये जो ऑप्शन है न्यू फाइल का, इसमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम देना है। आप कोई कुछ भी दे सकते हैं, मैं जार्विस ही देता हूँ, जार्विस डॉट पी वाई। आपको ये डॉट पी वाई ऐड करना है, नहीं तो ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा एंड देन आपको मैनुअली करना पड़ेगा। देन आपको एंटर दे देना है। तब देख सकते हो आपका कोडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमको दो मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है, जो कि है PyTTSX3 एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो PyTTSX3 क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है। इसका काम है टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। एंड स्पीच रिकॉग्निशन का काम होता है जो भी कमांड आप वॉइस के थ्रू दोगे उसको रिकॉग्नाइज करना। तो अगर आप ये इंपोर्ट ऐसे लिख रहे हो तो ये इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल भी करना है।
आपको यहाँ पे टर्मिनल में ऐसे लिखना है pip install pytsx3, देन आपको एंटर कर देना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाइड दिखाएगा। अब देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पे छोटा सा मॉड्यूल डाउनलोड होगा, कुछ केबी का ही होगा एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी आपको और एक मॉड्यूल इंस्टॉल करवाना है जो कि है स्पीच रिकॉग्निशन। आपको टाइप करना है pip install, आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, यस कैपिटल में एंड आर कैपिटल में। आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है क्योंकि मेरा ये भी इंस्टॉल्ड है। तो ये दोनों इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने इंजन डिफाइन किया है एंड सैपी 5 को यहाँ पे यूज किया है। सैपी 5 क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पीच API है। जार्विस जिस आवाज से बात करेगा वो यहाँ पे स्टोर्ड होता है। यहाँ पे हमने वॉइसेस डिफाइन किया है, देन यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी में वॉइस का ID दिया है, मैंने यहाँ पे 0 दिया है। तो यहाँ पे सैपी 5 में दो ही वॉइसेस आता है बाय डिफॉल्ट, एक है डेविड का और एक जीरा का। मतलब अगर मैं 0 यूज करता हूँ तो ये डेविड का वॉइस होगा मतलब मेल, एंड अगर मैं यहाँ पे 1 यूज करता हूँ तो ये फीमेल वॉइस होगा जो कि है जीरा का। तो अगर आप फीमेल वॉइस चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लिखो, अगर आपको मेल वॉइस चाहिए तो आप 0 लिखो। तो मैं यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने स्पीच रेट को थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। मुझे ये बहुत फास्ट लगता था कि ये जो डेविड है ये बहुत फास्ट बात करता है, तो मैंने यहाँ पे 150 सिलेक्ट किया है स्पीच रेट। तो ये थोड़ा सा स्लो बात करता है अभी। अगर आपको ये लगता है कि बहुत स्लो हो गया या फिर आप और भी स्लो करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे 200 या फिर 100 ऐसे आप अप डाउन करके कस्टमाइज कर सकते हो। देन हमने यहाँ पे स्पीक फंक्शन डिफाइन किया है एंड यहाँ पे टेक कमांड फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने जो स्पीच रिकॉग्निशन को एज SR इंपोर्ट किया था कि हमें बार बार स्पीच रिकॉग्निशन ना लिखना पड़े, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में SR डिफाइन किया था। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ABXY कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म SR दे दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक कमांड के अंदर हमने रिकॉग्नाइजर को कॉल किया है एंड माइक्रोफोन को एज ए सोर्स यूज किया है, एंड उसके बाद ये एक लिसनिंग प्रिंट कर देगा ताकि हमें पता चले कि ये सुन रहा है। एंड यहाँ पे हम पॉज थ्रेशोल्ड को हम 1 सिलेक्ट किया है ताकि ये 1 सेकंड तक आपका बात सुने, बीच में छोड़ ना दे। अगर आप कुछ बोलते बोलते आप रुक जाते हो देन आप फिर से बोलना स्टार्ट करते हो, वहाँ पे सुनना स्टॉप करके उसको रिकॉग्नाइज करने स्टार्ट कर देगा। इसलिए मैं हमने 1 सिलेक्ट किया है कि 1 सेकंड तक अगर कोई कुछ नहीं बोलता तब जाके वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा। आप इसको ऑफ कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका जार्विस और भी फास्ट होगा। मतलब आप कुछ बोलते हो तो वो 1 सेकंड वेट नहीं करेगा, वो साथ साथ ही रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों का ऐसे प्रॉब्लम आता है कि ये लिसनिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, मतलब बहुत टाइम तक ये लिसनिंग पे ही रहता है, उसके बाद बहुत टाइम बाद रिकॉग्नाइज करता है, तो आपको ये पॉज थ्रेशोल्ड जो है इसको आपको ये लाइन इरेज कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करेगा एंड वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब यहाँ तक आपका कोड चल रहा है। अब 2-3 लाइन कोड एंड होने पे आप एक प्रिंट लिख के अब कुछ लिख दो ताकि आपको पता चले कि इतना तक मेरा कोड चल रहा है। मतलब अभी मैं अगर मेरा कोड रन करता हूँ एंड यहाँ तक मेरा कोड चलता है एंड उसके बाद एरर आता है, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक अगर चल रहा है मतलब यहाँ तक मेरा कोड सही है एंड उसके बाद कुछ गलती हुआ है। तो अगर आप पूरा कोड लिख देते हो मतलब शुरू से एंड यहाँ पे जाके आपका एक कुछ आउटपुट फंक्शन है, तो अगर ये आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा कोड चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 2-3 लाइन छोड़ के एक आउटपुट फंक्शन देते हो, अगर वो आउटपुट आपको आता है तो आपको वहाँ पे चेक हो जाता है कि हाँ ये आउटपुट आ रहा है मतलब यहाँ तक मेरा कोड सही है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन यूज़ किया है कि अगर ये रिकॉग्नाइज ना कर पाए या फिर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर ना आए या फिर ऑटोमेटिकली ब्रेक ना हो जाए, जार्विस शट डाउन ना हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि से दैट अगेन प्लीज। मतलब जार्विस यहाँ पे आपको बोलेगा, ओनली प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हो कि जार्विस आपको बोले कि से दैट अगेन प्लीज, तो आप यहाँ पे एक स्पीक फंक्शन लगा देना है, देन यहाँ पे आपको ये ऊपर इसको पूरा कॉपी कर देना है। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि बार बार वो आपको बोलता ही जाएगा कि से दैट अगेन प्लीज। जब भी आप कुछ नहीं बोलते, मतलब आप समझ लो मैं जार्विस को बैकग्राउंड में रन करवाता हूँ, तो
हर एक बार जब ये सुनता है एंड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो वो बोलता रहेगा कि से दैट अगेन प्लीज, से दैट अगेन प्लीज। इसलिए मैंने ये प्रेफर नहीं करता। एंड अभी यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे हमने छोटा सा एक कोड लिखा है कि अगर हम बोलेंगे कि जार्विस तो वो प्रिंट करेगा यस सर एंड स्पीक एंड बोलेगा भी यस सर। हम ये रन करके देखते हैं। जार्विस लिसनिंग मोड में है तो मैं अभी बोलता हूँ कि जार्विस। Yes, sir. अब आप देख सकते हो कि मैंने जो भी बोला वो इंग्लिश में जितना हो सके उतना रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जार्विस वर्ड है क्वेरी में तो इसीलिए इसने यस सर का आउटपुट दे दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये हमारा सेटअप प्रोग्राम था कि हम एनवायरनमेंट सेटअप कर ले। ये हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है। ये ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड होता है एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जार्विस में फीचर्स ऐड करते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए।